वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, और अकाउंटेंसी में ये अकाउंट का बेसिक टर्म्स है और अकाउंटिंग रूल्स के बारे में है। ये वीडियो अगर आपने देखा तो आप भली भांति अकाउंटिंग के टर्म्स और रूल्स को समझ पाएंगे। ये बहुत ही उम्दा किस्म का वीडियो है जिसमें आपको बेसिक सारे बताए जाएंगे, सारे टर्म्स के बारे में, सारे अकाउंटिंग रूल्स के बारे में, जो भी अकाउंटेंसी के अंदर ये चीज़ें हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हम बिजनेस की अगर बात करें तो तीन प्रकार का बिजनेस होता है। एक बिजनेस को ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम सेल परचेज का काम करते हैं, केवल सेल करते हैं, परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस होता है। जैसे ज़्यादातर इंडिया में ट्रेडिंग बिजनेस ही है। उसके बाद सर्विस का बिजनेस है। सर्विस का बिजनेस जो लोग सर्विस केवल देते हैं उसको सर्विस का बिजनेस बोलते हैं। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये लोग सर्विस अपना प्रोवाइड करते हैं। जैसे बस है, ट्रांसपोर्ट वाले, कंपनी वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि नए नए प्रोडक्ट का उत्पादन। तो बहुत ऐसे कम कंपनी हैं हमारे देश में जो नया सामान बनाती है। ज़्यादातर बिजनेस आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको ट्रेडिंग का ही मिलता है। अब इन तीनों बिजनेस को जानने के बाद हम ये जानते हैं कि इसमें टर्म्स क्या होते हैं। तो जब अकाउंट बना तो अकाउंट बनाने वाले ने इसको ट्रेडिशनल अकाउंट बोला। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि पारंपरिक। पारंपरिक अकाउंट जो बना है, जो पारंपरिक है, जो पुराना अकाउंट है, उसके अनुसार अकाउंट्स को तीन रूप में रखा गया है। अकाउंट्स का मतलब होता है खाता, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का नाम। तो ये नाम जो है ये तीन रूपों में है। एक का नाम है रियल अकाउंट, दूसरे का नाम है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरे का नाम है पर्सनल अकाउंट। पूरे दुनिया में जो तीन प्रकार का कंपनी है, उस तीन प्रकार के कंपनी में ये तीन प्रकार के अकाउंट ही यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनल के अनुसार, जो पुराने ज़माने के अनुसार। और इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया है। जैसे जो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के अंदर दो टर्म्स बनाए गए हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि जो देखा जा सके, छुआ जा सके, जो टचेबल हो। नॉमिनल जो अकाउंट है, नॉमिनल के अंदर हम रिवेन्यू और एक्सपेंस को रखते हैं। जहाँ पे हमारा इनकम होता है, आय होता है, उसको रिवेन्यू बोलते हैं, और एक्सपेंस जो हमारे खर्चे होते हैं। तो जो हमारा अकाउंट है नॉमिनल, उसके अंदर हम इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है पर्सनल अकाउंट। तो जो अकाउंटिंग है बिजनेस के अंदर वो तीन प्रकार का है। एक रियल रियल जो संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, या तो संपत्ति जो टचेबल है, जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, और एक ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती है, इनटेंजिबल बोलते हैं उसको, जो टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे चीज़ जो हैं ये अनटचेबल अनटचेबल है, और जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो अलग ही फॉर्म में होता है। एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का मतलब है कि नेचुरल नेचुरल जो गॉड ने बनाया है उसको नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। जो आदमी है, मानव है, वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल जिसको मानव ने बनाया है, मानव ने जैसे कंपनी बनाई है, दुकानें बनाई हैं, फॉर्म बनाया है, तो ये सारी आर्टिफिशियल है। और एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जिसको अकाउंटिंग के टर्म्स में ये रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको हम इनकम एक्सपेंस में से निकाल के बनाते हैं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल मान के। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। ये रियल अकाउंट है, और रियल को जो पारंपरिक रूप से जो जब अकाउंट बना उस समय से इसको दो रूपों में बांटा गया है। रियल अकाउंट को एक टेंजिबल बनाया गया है, एक इनटेंजिबल बनाया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा है तीन कॉलम बना के इस टेबल के माध्यम से। तो पहला जो आपको दिखाई देता है वो टर्म्स है। तो टर्म्स में हमने लिखा है टेंजिबल। टेंजिबल के लिए डेफिनेशन दिया है कि फिजिकल,
या टचेबल, फिजिकल हो या टचेबल हो, जैसे एग्जांपल में लिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, फिजिकल है वो। कैश मेरा जो है वो टच कर सकते हैं, फिजिकल है। इस प्रकार के जितने भी असेट्स हैं मेरे पास, जितने भी संपत्ति हैं, वो सारे संपत्ति रियल अकाउंट है। उसके बाद है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब नॉन फिजिकल है, या जिसको हम उठा नहीं सकते हैं, या अनटचेबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे अनटचेबल है। नेक्स्ट जो मेरा है ये फ्लो चार्ट के माध्यम से, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल में एक रिवेन्यू है और एक एक्सपेंस है। रिवेन्यू का मतलब आय है और एक्सपेंस का मतलब व्यय है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे कि जो पुराने ज़माने में नॉमिनल अकाउंट था, उसका जो डेफिनेशन है अर्निंग बाय बिजनेस या अदर, जो हम बिजनेस से कमाते हैं या अदर किसी भी सोर्स से कमाते हैं, उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल में सेल्स करते हैं तो मेरा इनकम है, डिस्काउंट किसी से मिलता है तो वो मेरा इनकम है, कमीशन जो हमको प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, डिविडेंड मिलता है, वो इनकम है। उसी प्रकार से जो एक्सपेंसेस है वो रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस को चलाने के लिए हम खर्च करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जैसे परचेज करते हैं, सैलरी देते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे अकाउंट। नेक्स्ट जो है फॉलो चार्ट में वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट को हमने तीन रूपों में रखा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके बारे में जो है पर्सनल अकाउंट है, इसको हमने जो बताया है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड, जो मानव है, तो ये आदमी इंसान जो है जिसको गॉड ने बनाया है, जैसे मेरा नाम नवीन, रोहित, ETC। ऐसे ही आर्टिफिशियल जो अकाउंट है वो मैन मेड है, जो आदमी ने जिसको बनाया है, जैसे दुकान, फॉर्म, कंपनी, ETC। जैसे इसका नाम, शॉप का नाम हो, किसी फॉर्म का नाम हो या किसी कंपनी का नाम हो, तो उसको हम मैन मेड बोलते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जितने भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं। उसके बाद इसको जो रूल्स बनाया गया है, इसका जो रूल्स है वो रूल्स की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की, जो पुराने रूल्स हैं उसको गोल्डन रूल बोला जाता है। गोल्डन रूल में तीन अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पोजीशन जो है डेबिट और क्रेडिट, कोई भी जब अकाउंटिंग बना तो अकाउंटिंग को दो टर्म्स में रखा गया है, एक डेबिट पोजीशन के लिए, एक क्रेडिट पोजीशन के लिए। मतलब एक बिजनेस में एक तराजू है जिसके अंदर दो पल्ला है और दोनों पल्ला को बराबर रखना है, तो एक पल्ला को डेबिट बोला गया है और एक को क्रेडिट बोला गया है। रियल जो है मेरा, वो रियल के अगर रूल्स की हम बात करें तो व्हाट्स कम इन, कोई आता है तो उसको आपको डेबिट लिखना है। रियल में अगर व्हाट गोज आउट, कोई जाता है तो उसको क्रेडिट लिखना है। मतलब कोई संपत्ति आता है तो इन करना है, इन करता है तो डेबिट लिखना है आपको, और कोई संपत्ति जब आउट होता है, ख़त्म होता है, अपने यहाँ से घटता है, तो क्रेडिट लिखना है। वही अगला रूल जो है पर्सनल के लिए दिया गया है कि पर्सनल अगर है वो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो या नेचुरल हो, अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करते हैं और वो गिवर है तो क्रेडिट करते हैं। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट के लिए है। नॉमिनल को अगर हम हिंदी में बात करें तो नाम मात्र खाता बोलते हैं, और इसके अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट मोड में। अगर आपका एक्सपेंसेस है तो उसको आप डेबिट बोलते हैं, अगर वो इनकम है तो आप उसको क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने इसमें बनाया है स्लाइड, वो अगर हम पारंपरिक बातों को छोड़े, पुराने बातों को, तो नए जो है मॉडर्न रूल है, जो अधि आधुनिक युग का है, उसको उसमें हम अकाउंट को चार रूपों में देखते हैं। किसी भी अकाउंट को, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो वो संपत्ति हमको दिखाई देगा, नहीं तो वो लाइबिलिटी दिखेगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, मतलब कि किसी को देना है, मतलब कि वो आपका नहीं है, आपको चुकाना है। असेट्स का मतलब कि आपका अधिकार है उस पर। और उसके बाद इनकम, जो भी आपको आय होता है जिसको आप लिखते हैं तो उसको आप इनकम लिखते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है तो वो एक्सपेंसेस है। मॉडर्न अकाउंट के अंदर चार टर्म्स होते हैं, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये चार टर्म्स अब आपको याद रखने हैं। ऐसे गोल्डन रूल भी बहुत ही कमाल का है, लेकिन जो गोल्डन रूल था
गोल्डन म्यूल है, अभी भी रनिंग है। गोल्डन म्यूल जो पुराने टर्म्स में है, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, जिसके कारण मॉडर्न म्यूल आया है। जैसे लोग कहते हैं कि आविष्कार ही, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब आवश्यकता लगी लोगों को तो उन्होंने नया रूल बनाया जिसको मॉडर्न रूल बोला गया है। और इसको चार रूपों में बांटा गया, उसको तीन रूप में बांटा गया था, इसको चार रूप में। तो पहला जो रूप है वो असेट्स है, और उसमें जो रियल था उसको हमने टेंजिबल इनटेंजिबल में रिकॉर्ड किया था, और इसमें असेट्स को हमने करेंट या शॉर्ट टर्म असेट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, या फिक्स या लॉन्ग टर्म असेट्स। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो करेंट या शॉर्ट टर्म असेट्स है, और एक फिक्स या लॉन्ग टर्म असेट्स है, जिसको हमने नीचे डिफाइन किया है कि करेंट असेट्स फ्लेक्सिबल फिगर लेस देन 1 ईयर। तो जो संपत्ति जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी, या ऐसे असेट्स जो बढ़ते घटते रहेंगे, उसको करेंट असेट बोलेंगे। जैसे कैश है, तो कैश मेरा जो है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए उसको हम करेंट असेट मानते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया हमने कैश या डेटर। डेटर मतलब कि वो व्यक्ति जिसको हमने सामान बेचा है, कोई उधार दिया है, तो वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी वो पेमेंट करेगा तो घट जाएगा, कभी हम उसको पैसा देंगे या सामान देंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है फिक्स असेट्स। फिक्स का मतलब होता है कि रुका हुआ। फिक्स मतलब ऐसा फिगर जो 1 साल को क्रॉस करता हो, 1 साल से ज़्यादा दिन तक चलने वाला हो, उसको फिक्स बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, या कोई भी असेट्स जो लॉन्ग टर्म आपके पास टिकने वाला है, उसको आप फिक्स असेट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। अगला जो फ्लो चार्ट का फिगर है, जिसके अंदर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया गया है, तो लाइबिलिटी और असेट्स दोनों का टर्म सेम है, करेंट या शॉर्ट टर्म, फिक्स या लॉन्ग टर्म। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा लिखा है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी फ्लेक्सिबल फिगर लेस देन 1 ईयर, ऐसे कुछ लाइबिलिटी हैं जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। जैसे क्रेडिटर है, किसी का बकाया है तो हम उसको 1 साल से पहले देंगे। आउटस्टैंडिंग है, कोई और चीज़ बकाया है, जैसे सर्विस का बकाया है या कोई सैलरी का बकाया है, तो उसको भी हम 1 साल से पहले अगर पे करते हैं तो वो मेरा करेंट जो है वो करेंट लाइबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट जो टर्म है इसके अंदर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा दिन रहेगा, फिक्स फिगर मोर देन 1 ईयर। जैसे लोन है, तो लोन हम लेते हैं तो वो 1 साल के लिए नहीं लेते हैं, 1 साल से कम का लेंगे अगर उसको, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादातर जो लोन्स होते हैं वो 2-3 साल के लिए होते हैं, 4-5 साल का होता है। बॉन्ड पेपर, अगर हमने बॉन्ड्स पेबल कोई बॉन्ड खरीद रखा है किसी से, या मेरा किसी ने बॉन्ड लिया है, तो इस प्रकार के जो लाइबिलिटीज है उसको हम फिक्स में बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं। फिगर में आगे जो पॉइंट को हमने नोट किया है वो है एक्सपेंसेस। तो उसमें जो एक्सपेंस और इनकम को नॉमिनल में रखा गया था, और यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम को अलग अलग रूपों में रखा गया है। तो एक्सपेंस को दो रूप में बनाया गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बोलते हैं हिंदी में। तो टर्म्स में डायरेक्ट एक्सपेंस जो है बिलोंग टू परचेज ट्रेडिंग गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसको बोलते हैं जो हमारे व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ को बिजनेस करते हैं उसको अगर खरीदने में कोई खर्च लगता है, या उसको लाने में, रखने में, रख रखाव में, या उसका जो भाड़ा लगता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे परचेज है, वेजेज है, कैरिज इनवर्ड है, मतलब कि अगर हम कहीं दुकान से सामान खरीदते हैं और उसको अपने फैक्ट्री तक ले जाते हैं, तो उस सामान को खरीदने का चार्ज जिसको हमने परचेज बोला, वेजेज उसको उठाने का रखने का जो मजदूर लगता है उसको वेजेज बोला हमने, कैरिज इनवर्ड जो भाड़ा लगा उसको ले जाने में फैक्ट्री के अंदर तक, उसको हम कैरिज इनवर्ड बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मतलब कि इस अगर डायरेक्ट की हम बात करें, जो परचेस के अलावा जितने तरह के खर्च होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे सैलरी किसी को दिया, या कैरिज आउटवर्ड किया, या जितने भी टाइप के आपको खर्चे आपको दिखाई देते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर हम फिगर में आगे चलते हैं तो फिगर में देखते हैं कि इनकम, इनकम को भी दो रूपों में रखा गया है। जैसे
असेट्स और लाइबिलिटी को दो रूप में रखा गया था, वैसा ही एक्सपेंस और इनकम को दो रूप में बनाया गया है। इनकम जो है एक डायरेक्ट नेचर का है और एक इनडायरेक्ट नेचर का है। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है कि जो डायरेक्ट इनकम है वो सोल्ड ट्रेडिंग गुड, अगर हम किसी सामान का बिजनेस करते हैं और उसको बेचते हैं तो वो डायरेक्ट इनकम होगा। केवल वो सामान को बेचने का जो इनकम आता है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम ऑल इनकम जो सेल्स से हट के हो, जैसे डिस्काउंट मिल जाना, कमीशन मिलना या लाभ प्राप्त होना, ये सारे डिविडेंड मिलना, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट इनकम है। नेक्स्ट जो इसका रूल्स है मॉडर्न का, नए जमाने के हिसाब से, वो रूल को जो है वो अकाउंट का जो टाइप है वो चार है, असेट्स लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम। असेट्स का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो जो अपने पड़ले में रहता है तो वो डेबिट साइड में हमेशा रहेगा। कोई भी संपत्ति है तो वो डेबिट साइड में ही रहेगा, और जब वो बढ़ेगा तो डेबिट साइड को ही बढ़ाएगा, और जब वो घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो असेट्स और एक्सपेंसेस, ये दोनों का जो रूल्स है मॉडर्न में वो कॉमन है, और जो लाइबिलिटी है और इनकम है इन दोनों का रूल्स है वो कॉमन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो याद कर लेंगे, असेट्स और लाइबिलिटी। तो उस हिसाब से एक्सपेंस असेट्स जैसा हो जाएगा और लाइबिलिटी इनकम जैसा हो जाएगा। लाइबिलिटी में हमेशा जो नॉर्मल पोजीशन होगा वो क्रेडिट साइड होगा, और इंक्रीज जब होगा तो क्रेडिट बढ़ेगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट बढ़ेगा। इसका सामान्य उदाहरण ये है कि जो बिजनेस है, और बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस जो है वो नेचुरल नहीं है, बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है, मतलब मानव ने उसको बनाया है। अब मानव जब उसको किसी चीज़ को बनाता है तो मानव उससे उतना ही, जितना इन्वेस्ट करता है उतना ही प्रॉफिट चाहता है, मतलब उतना ही वापस चाहता है। तो इसलिए बिजनेस के अंदर ये दो पोजीशन दिया गया है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस के अंदर कोई संपत्ति को इन्वेस्ट कर किया जाता है, अगर उसके कैश के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में, फर्नीचर के रूप में, तो वो सारी संपत्ति जो है वो डेबिट साइड में जाती है, मतलब तराजू के एक पड़ले में, और दूसरे पड़ले में उसका कैपिटल जाता है। तो दोनों जो कैपिटल है और असेट्स है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल और असेट्स दोनों इक्वल होता है। तो जब शुरुआत हुई किसी मैडमैन की तो वो दोनों बराबर था, यानी अकाउंटिंग का टर्म्स होता है कि दोनों को इक्वल करके लेके चलना। तो ये इसको हमने मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स बोला या डायमंड रूल्स बोला है। नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों को हमने जोड़ के यहाँ पे एक बताया है कि जो अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट है पुराने ज़माने के हिसाब से, और रियल अकाउंट नए ज़माने के हिसाब से वो असेट्स है, मतलब रियल इक्वल असेट्स के है। पर्सनल जो है वो असेट्स भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। असेट्स पर्सनल ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हमने कोई सामान दिया है तो वो संपत्ति है मेरे लिए वो व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति हमको पैसा देगा। लाइबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि हमने उससे अगर कुछ लिया तो वो व्यक्ति हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। नॉमिनल में जो है वो मॉडर्न को जोड़ा जाए तो इनकम और एक्सपेंसेस, एज ए ट्रेडिशनल में तो क्लियर क्लियर लिख के बताया गया है कि नॉमिनल जो है वो इनकम और एक्सपेंस ही है, लेकिन पर्सनल को नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे हमने बताया कि पर्सनल जो है असेट्स है और लाइबिलिटी है, और रियल जो है वो केवल संपत्ति है। आगे हम बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर ना चार लोग होते हैं, और ये चार लोग बहुत सारे अकाउंटिंग करते समय लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है कि ये चार लोग कौन है। अब बिजनेस के अंदर चार ही लोग आते हैं, और इन चारों लोगों को हमने अलग अलग रूप में दिखाया है। जैसे ऑनर जो है, ऑनर होता है एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति होता है डेटर्स, एक व्यक्ति क्रेडिटर, एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑनर का मतलब मालिक होता है, एक डेटर का मतलब जिससे हमको पैसे लेना है देनदार होता है, क्रेडिटर लेनदार होता है जिसको पैसे देने हैं, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कुछ लेनदार देनदार दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया है ऑनर की, तो ऑनर जो है वो ऑनर है, या उसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं, या उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, या उसको इन्वेस्टर बोलते हैं, अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से उसको चले तो। ऑनर को हम दो रूप में देखते हैं, ऑनर को हम कभी कैपिटल देखते हैं, कभी ड्राइंग्स देखते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी, जो पूंजी इन्वेस्टर है, और ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। आहरण का मतलब होता है कि जो
ऑनर है, ऑनर अगर अपने लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, खर्च के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स हमने दिया कि जो ऑनर का टर्म्स है वो दो है, एक कैपिटल है एक ड्राइंग है। कैपिटल का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो हमेशा क्रेडिट के रूप में रहता है, और जब कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है, बिजनेस में बढ़ाया जाता है, कुछ ऑनर कुछ और पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ऐसे ही ड्राइंग्स जो है वो हमेशा नॉर्मल पोजीशन डेबिट रखता है, और ऑनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स डेबिट ही होता है। अगले व्यक्ति की तरफ चले अगर हम, तो डेटर्स है, और अगला व्यक्ति हमारा जो डेटर है वो सोल्ड टू जिसको हमने बेचा है, या कस्टमर है मेरा वो, या लोन या एडवांस असेट्स है, या जिसको हमने लोन दिया है, तो इसको हमने दो टर्म में रखा है। टर्म वन जो है वो सोल्ड टू है, मतलब जिसको हमने बेचा है, वो हमेशा व्यक्ति जो है, डेटर जो है, वो हमेशा नॉर्मल पोजीशन डेबिट रखता है, और जब हम उसको बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब उसको घटाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। घटाते कैसे हैं, जब हमने उसको सेल किया तो वो उसको डेबिट रख दिया क्योंकि उससे पैसा हमको लेना है, जब वो पैसा हमको पेमेंट करता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, मतलब उसका जो अमाउंट है उसको हम डिक्रीज करते हैं। ऐसा ही है लोन टू, लोन टू का मतलब कि जब हम किसी को लोन के रूप में कुछ अमाउंट देते हैं, या किसी को एडवांस के रूप में कुछ पैसा देते हैं, तो उसको हम डेबिट लिखते हैं, मतलब नॉर्मल पोजिशन लोन टू पर डेबिट होता है, और जब उसका पैसा बढ़ता है, मतलब उसके यहाँ लोन हम और देते हैं तो डेबिट करते हैं, मतलब उसको उधार और देते हैं तो डेबिट करते हैं, और उससे पैसा जब वापस लिया जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसके अंदर जो तीसरा व्यक्ति है वो व्यक्ति क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब होता है कि परचेज फ्रॉम, जिससे हमने सामान खरीदा है, या जो वेंडर है, जो विक्रेता है, जिसने सामान बेचा है, या लोन फ्रॉम, जिससे हमने लोन लिया है, कोई भी अमाउंट लिया हो तो वो क्रेडिटर है मेरे लिए। जैसे इसको भी हमने दो टर्म्स बनाए हैं, परचेज फ्रॉम वो नॉर्मल पोजीशन हमेशा क्रेडिट रखता है, जब भी हम सामान खरीदते हैं जिस व्यक्ति से तो उस व्यक्ति को हमेशा हम क्रेडिट के रूप में देखते हैं, वो नॉर्मल पोजीशन है मेरा, और जब परचेज हम किसी से करते हैं तो वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज जो उसका पोजीशन होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब हम उसको पैसा देते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। लोन फ्रॉम, जब किसी से लोन लेंगे तो क्रेडिट होगा, उससे और लोन लेंगे या उसका अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे ब्याज का पैसा बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा। लोन वाला व्यक्ति जिससे हमने लोन लिया है, या कंपनी हो, आर्टिफिशियल अकाउंट हो, या नेचुरल हो। नेक्स्ट, जब हम लोन का पेमेंट करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं उस व्यक्ति को। और इसके अंदर आखिर में जो चौथा व्यक्ति है वो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय को हम अकाउंटिंग के टर्म्स में, अकाउंट में उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, क्योंकि अगर हमने अकाउंट का एक रूल है कि अगर हम किसी व्यक्ति का अगर नाम रिकॉर्ड करें तो नाम तीन रूप में जाएगा, या तो वो कैपिटल होगा, ऑनर होगा नाम, या वो डेटर होगा, या क्रेडिटर होगा, लेकिन हमने फिर भी चौथे व्यक्ति का जिक्र किया है यहाँ पे उसके क्वेश्चन मार्क के साथ, जिसको हमने बोला है कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है या सर्विस है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसके कुछ सर्विसेज एक्सपेंस के रूप में देखते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, अगर हमने किसी किसी महीने का सैलरी को आउटस्टैंडिंग किया, रेंट को आउटस्टैंडिंग किया, तो जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारे यहाँ जो हमने सर्विस लिया है एम्प्लॉय से, वो बकाया हो गया है, तो उसका नॉर्मल पोजीशन क्रेडिट होता है, और वो जब बढ़ता है, आउटस्टैंडिंग आपके यहाँ जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और जब इंक्रीज को डिक्रीज किया जाता है, जब आउटस्टैंडिंग का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाता है, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं आउटस्टैंडिंग को। उसी प्रकार से आगे है एडवांस या प्रीपेड, दोनों का मीनिंग एक ही है, जब हम किसी को पहले ही पैसा दे देते हैं तो एडवांस बोलते हैं, या प्रीपेड बोलते हैं, जैसे अपने फ़ोन में हम जो रिचार्ज करवाते हैं तो वो प्रीपेड होता है, प्रीपेड बैलेंस होता है, जब हमारे पास, हम एडवांस में उसको पैसा दे देते हैं, उसके बाद हम सर्विस लेते हैं, जैसे उसको हम डेबिट बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एक संपत्ति है, और नेक्स्ट जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और वो डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अगला जो इसके अंदर टर्म्स हैं, तीसरा टर्म वो है प्री रिसिप्ट। प्री रिसिप्ट का मतलब कि पहले ही प्राप्त करना, या अर्न अर्निंग इनकम,
जो इनकम हुआ नहीं उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो वो नॉर्मल पोजीशन क्रेडिट रखता है। जब वो बहता है एडवांस, आपने अगर किसी से पैसा लिया है किसी काम को करने के लिए, तो वो प्री रिसिप्ट इनकम है। और आप फिर से काम ख़त्म किए बिना, इनवॉइस उसको सबमिट किए बिना, बिल बिना भेजे आप कुछ पैसा और उसके यहाँ से उठाते हैं, तो इनकम इंक्रीज कर जाता है। तो आप उसको प्री रिसिप्ट इनकम बोलते हैं, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है कि काम कितने में ख़त्म हुआ है। ख़त्म होगा तो हम जो पैसा प्राप्त इच्छा करते हैं पहले से ही उसको क्रेडिट करते हैं। जब उसको पैसा देंगे मतलब डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। एक्यूड इनकम क्रेडिट होता है नॉर्मल पोजीशन, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। एक्यूड इनकम का मतलब होता है कि जब हमने कहीं से लोन लिया है या हमने किसी को लोन दिया है, और वो लोन जब हम किसी को देते हैं और वो लोन पे जो मंथली मेरा ब्याज है, वो ब्याज जैसे ही उसके यहाँ जनरेट होता है तो उसको हम एक्यूड इनकम बोलते हैं। और हमने किसी से लोन लिया है और वो लोन जनरेट होता है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो हमारा लोन किसी को हमने दे रखा है और उसके यहाँ जो हमारा लोन का पैसा इंक्रीज होता है इंटरेस्ट के रूप में, तो उसको एक्यूड इनकम बोला जाता है। और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब इनकम घटता है तो डेबिट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के समझ के। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इसमें क्या क्या टर्म्स हैं अकाउंटिंग को जानने के लिए। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा 2-3 बार, तो आई होप कि आप समझ पाएँ कि क्या अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।